अरवली के प्रथम विधायक संदीप नाइक ने आज कई नगर सेवकों और पदाधिकारियों के साथ विद्युत वितरण अभियंता का घेराव किया और घनसौली, अरवली, तुरबे और रबाले इलाके में विद्युत आपूर्ति में हो रही बाधाओं पर चर्चा करते हुए उसके शीघ्र समाधान पर जोर दिया। इस दौरान वरिष्ठ नगर सेवक अनंत सुतार, घनश्याम मड़वी, बालकृष्ण पाटिल और नारायण सिंधे समेत कई पदाधिकारियों ने विद्युत कर्मियों की मनमानी पर सवाल उठाया। पूर्व विधायक संदीप नाइक ने इस पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए विद्युत आपूर्ति जल्द सुधारने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। मानसून में विकराल होती जा रही विद्युत आपूर्ति बाधाओं को लेकर आज अरवली के प्रथम विधायक संदीप नाइक ने वासी के विद्युत कार्यालय का घेराव किया और अभियंता आरबी माने को निवेदन दिलाते हुए विद्युत आपूर्ति सुधारने, खुले पैनल बॉक्स और बिजली तारों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की। यहां वरिष्ठ नगर सेवक अनंत सुतार, घनश्याम मड़वी, बालकृष्ण पाटिल, नारायण शिंदे, राजू सिंधे, विजय वालुंज एवं राजेश माड़वी समेत कई पदाधिकारियों ने बिजली कर्मियों की मनमानी, उपेक्षा और संसाधनों की कमी से हो रही बत्ती गुल पर सवाल उठाया। इन पर जवाब मांगते हुए बीजेपी नेता संदीप नाइक ने अभियंता और विद्युत कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और उसके त्वरित समाधान की मांग की। लोकप्रतिनिधि समस्या मांडल्या आठवड्यातून 3 वेळा लाइट जाते, प्रत्येक ठिकाणी लाइट जाण्याची कारण वेगवेगळी आहेत। काही ठिकाणी सबस्टेशनचं काम पूर्ण झालेलं नाही, काही ठिकाणी सबस्टेशन नाही, काही ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मरची गरज आहे, काही ठिकाणी केबल ही अनेक वर्षापासून जीर्ण झाली आहे, ती केबल बदलण्याची गरज आहे, काही ठिकाणी महावितरणचे कर्मचारी उपलब्ध नाही। आनंदजी सुतार, अशोकजी पाटील साहेब या प्रमुख घटकांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला की आम्ही त्या महावितरणच्या ऑफिसमध्ये जातो परंतु तिकडे अधिकारीच उपलब्ध नसतो, त्याला फोन केला तर तो नॉट रिचेबल असतो। अशा वेळेस जर लाईट गेली तर आम्ही प्रश्न कोणाकडे मांडायचे? आणि महावितरण हा असा विषय की यामध्ये या डिपार्टमेंटला रेव्हेन्यू हवा असतो, कुठलंही काम करायचं आहे त्यावेळेस सांगितल्याप्रमाणे ती केबल ही महावितरणकडून प्रोव्हाइड केली जाते, परंतु जेव्हा वस्तुस्थितीमध्ये जेव्हा काम सुरू होतं तेव्हा त्या वायरची मागणी ही नागरिकांकडून केली जाते। आज आमचे नारायण शिंदे, संदीप म्हात्रे आणि अनेक त्या ठिकाणी उपरघरणा विभागातले जे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यामुळे तुम्ही आम्हाला एकदाच सांगा की ही केबल महावितरण देणार आहे की आम्हाला लोकांकडून लोकांच्या वर्गणीतून विकत घ्यायला लागेल। त्यावेळेस त्यांनी असं त्याचं जस्टिफिकेशन दिलं की ही केबल महावितरणने उपलब्ध करून दिली पाहिजे, परंतु एखाद्या वेळी नसेल तर तुम्ही ती केलं तर हरकत नाही, परंतु हे एका वेळी होत नाही आहे, 99 वेळेस ही केबल नागरिकांकडूनच त्या ठिकाणी घेतली जाते, त्याचा खर्च नागरिकांनाही करायला लागतो। एकंदर 2.5 वर्षामध्ये ह्या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून जो अनागोंदी झाला, जे दुर्लक्ष झालं, महावितरणच्या माध्यमातून चुकीची बिलं ही नागरिकांना दिली गेली, ज्या माणसाचं घर बंद आहे, ज्या जो माणूस गावाला निघून गेला कोविडमध्ये, त्याला देखील लाख लाख रुपयाची बिलं आली, आणि त्याच्यानंतर कोणाचंही कोणावर अंकुश नाही, कोणाचं नियंत्रण नाही। एखाद्या वेळी लोकप्रतिनिधी गेले तर कोविडचं कारण पुढे करून साहित्यांची उपलब्धता नाही अशा प्रकारचं थातुरमातर कारण देऊन या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी टाळण्याचा प्रयत्न हा मागच्या कालावधीमध्ये झाला, परंतु आता सरकार बदललं। आता आपण बघितलं की ह्या साधारणतः महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये DPDC माध्यमातून अनेक ठिकाणी हा वेगवेगळ्या विभागाकरता, मग केबल करता, DP बॉक्स करता, ट्रान्सफॉर्मा करता फंड आलेले आहे, परंतु हे फंड आल्यानंतर त्या फंडचा वापर देखील महावितरणच्या अधिकाऱ्याकडून योग्य प्रकारे झाला पाहिजे। लोकप्रतिनिधी विधानसभेमध्ये आपलं म्हणणं मांडलं, त्यांनी त्या ठिकाणी आंदोलन केलं, पत्रव्यवहार केला आणि तो फंड उपलब्ध झाला, आणि फंड उपलब्ध झाल्यानंतर टेंडर निघालं, आणि टेंडर निघाल्यानंतर काम सुरू करायची वेळ आली, त्यावेळेस जेव्हा आम्ही चौकशी केली तेव्हा सांगितलं जातं की त्या कॉन्ट्रॅक्टरला ते काम परवडत नाही, त्यामुळे एका ठिकाणी 50% काम केलं, अर्धवट सोडून दिलं, एका ठिकाणी फक्त 10% काम केलं, पुन्हा सोडून दिलं। मग अशाच प्रकारे जर ह्या महावितरणचा अंकुश त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर आणि कॉन्ट्रॅक्टर राहिला तर महावितरणच्या माध्यमातून कामच होणार नाही। जर प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर जर असंच म्हणायला लागला तर पूर्ण अंधार होऊन जाईल। आणि आता गणपती जवळ आल्या असताना कोणत्याही प्रकारची बत्ती गुल
ये आम्ही सहन करणार नाही। बीजेपी नेता संदीप नाईक ने बताया कि नवीमुंबई के घनसौली, रबाले और अरौली क्षेत्र में बिजली की सबसे अधिक किल्लत है, जिसके जिम्मेदार महावितरण के अधिकारी हैं, क्योंकि नियमित बिजली सप्लाई देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर वे जनता पर और बोझ लादने में जुटे हैं। विद्युत अभियंता को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने फंड की कमी से उलझे हुए कार्यों और जरूरतों को पूरा कराने, लोक नेता गणेश नाईक के विधायक निधि से 65 लाख रुपए दिलाने का भरोसा दिलाया। संदीप नाईक ने चेतावनी दी कि यदि विद्युत आपूर्ति नहीं सुधारी गई तो महावितरण के खिलाफ जन आंदोलन होकर रहेगा। नवी मुंबई जो शहर जो अच्छा रेवेन्यू देता है और जिस उपकरण और जिस साहित्य की उम्मीद हम महावितरण से करते हैं, उसके लिए नागरिकों को पैसा निकालना पड़ा। 2.5 साल में इनको पूछने वाला कोई नहीं था, कोविड का दौर था, हम सब अपने कैसे हमारा जीवन बचा पाए, इस ऐसे परिस्थिति से कैसे जूझे, इसलिए सब लोग प्रयास कर रहे थे। अभी इस समय लोगों में जागरूकता है, सब लोक प्रतिनिधि नवी मुंबई के जो अलग अलग क्षेत्रों से आए, कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया है, कोई स्लम से, उन्होंने ये बात अभी एमएसएमई के अधिकारियों को बताई है कि जो सुविधा, जो साहित्य मैंडेटरी महावितरण ने प्रोवाइड करना चाहिए, वो साहित्य नागरिक दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ केसेस में लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थिति उल्टी है, 99% ये कंट्रीब्यूशन नागरिकों के माध्यम से दिया जाता है। आज हम लोगों ने उनको सूचित किया है कि भविष्य में ये निवेदन प्राप्त होने के बाद में फिर से अगर इस चीज़ की मांग की तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो उस समय अधिकारी या जो कर्मचारी इसके लिए पैसे मांग रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, उसको जॉब से निकाला जाए, यहाँ तक की मांग हमारे लोक प्रतिनिधि के माध्यम से की जाएगी और इस विषय का फॉलोअप आने वाले समय में हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।